हमें अपनी ज़िंदगी में मौका तो एक से बढ़कर एक मिलते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम उन मौक़ों को इसलिए नहीं पहचान पाते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एजुकेशन और नॉलेज की कमी होती है। आज मैं ऐसे ही कहानी में बात बताने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि मौके हमारे ज़िंदगी में बहुत आते हैं, लेकिन ज़रूरत है उसे पहचानने की। कुछ ऐसा ही हुआ एक व्यक्ति के साथ। एक व्यक्ति गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं कम समय में एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा मेरा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुजी, बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे। गुरुजी ने बोला कि मेरे बगीचे में से सबसे सुंदर फूल तुम्हें तोड़कर लाना है, लेकिन ध्यान रखना, एक बार आगे बढ़ जाओ तो पीछे वाले फूल को नहीं तोड़ना। व्यक्ति गुरुजी का आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा कि मैं अभी फूल तोड़कर लाता हूँ, यह छोटा सा काम है। वह व्यक्ति गुरुजी के बगीचे में गया तो उसे पहला फूल बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा आगे इससे भी सुंदर फूल मिलेंगे। व्यक्ति आगे बढ़ने लगा, उसे बाग में एक से बढ़कर एक फूल अच्छे दिखे, लेकिन वह सबसे अच्छा फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब वह बगीचे के आखिरी में पहुंचा, तो वहां उसे मुरझाए और बेजान फूल मिले। यह व्यक्ति देखकर बहुत ही निराश हो गया। उसे गुरुजी की शर्त के अनुसार पीछे मुड़कर फूल नहीं तोड़ने थे, और वह व्यक्ति फूल नहीं तोड़ सका। फिर वह खाली हाथ गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी व्यक्ति से पूछे कि तुम क्यों फूल नहीं लाए। इस पर व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखे, लेकिन मैं सबसे अच्छा फूल लाना चाहता था। अच्छे फूलों की तलाश में अच्छे फूलों को छोड़कर आगे बढ़ता रहा, और जब मैं अंत में पहुंचा तो वहां मुझे मुरझाए और बेजान फूल मिले। इस वजह से मैं खाली हाथ आ गया। फिर गुरुजी उस व्यक्ति को समझाया कि जैसे ही हमें कोई अवसर अच्छा मिले, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कई बार अच्छे मौके के चक्कर में हम हाथ आए मौके को छोड़ देते हैं, और बाद में उसका पछतावा होता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हम जल्दी और कुछ अच्छा पाने के लिए हाथ आए अवसर को छोड़ देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।